उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को किसानों से कहा कि वे अब गन्ने के अलावा और भी फसलें खेतों में उगाने की आदत डालें। योगी ने कहा कि अन्य फसलें भी बोइए, दिल्ली का बाजार पास है, वैसे भी लोग शुगर के कारण बीमार होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यहां दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास करने आए थे। वैदिक इंटर कॉलेज बड़ौदा में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के शिलान्यास समारोह में योगी ने कहा कि हमने प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के शहर के साथ ही गाँव में पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की है। इससे पहले बसपा तथा सपा की सरकार में बिजली देने में भेदभाव किया जाता था। योगी ने कहा कि गरीब तथा किसान को मुख्य धारा में लाना ही हमारी वरीयता है। चीनी मिलों ने अगर 15 अक्टूबर तक इसका भुगतान नहीं किया तो मिल मालिकों पर डंडा भी चलेगा। योगी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सपा बसपा ने जाति के आधार पर समाज को बांटा है। हमने सभी को अपना पर्व मनाने की आजादी दी है। कांवड़ यात्रा भी बाधा रहित निकली और कांवड़ियों पर जमकर फूल भी बरसे। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि सपा सरकार एनओसी नहीं दे रही थी। उन्होंने हाईवे के बारे में बताते हुए कहा कि पहले फेज में ये हाईवे अक्षरधाम से लोनी तक बनेगा, दूसरे में गढ़पत से शामली तक और तीसरे फेज में सहारनपुर तक बनेगा। गडकरी ने कहा कि मोदी सरकार के 5वें साल तक 2,00,000 किलोमीटर सड़कें बन जाएंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में कई महापुरुषों के नाम पर सड़कें बन रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ साथ काशीराम तक के नाम पर सड़क बनेगी। For more information, log on to www.clips.in.